के एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेरे टेक विश्व चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं द यूनिवर्स ऑफ इन्फिनिट टेक्नोलॉजी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं आईफोन SE के बारे में। आईफोन SE जो फ़ोन कुछ समय पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन 40,000 के आसपास लॉन्च होने वाला ये फ़ोन एक एंट्री लेवल सेगमेंट की तरफ कॉम्पीट करने के इरादे से बनाया गया था, जहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन्स ज़्यादा करके अच्छे खासे स्पेसिफिकेशंस के साथ में आते हैं। तो ऐसी जगह पे आईफोन का एप्पल का ये टेक ऑन था उन एंड्रॉयड फ़ोन्स के खिलाफ, जैसे वन प्लस वगैरह ब्रांड्स हैं उनके खिलाफ, तो वहाँ पे इन्होंने आईफोन SE प्लेस कर दिया था। तो चलिए आज बात करते हैं व्हाट आई थॉट अबाउट आईफोन SE इन इंडिया और इसका प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से ये फ़ोन जस्टिफाई करता है क्या। आप आईफोन SE लेना चाहोगे तो कौन से कंडीशंस में आपके लिए आईफोन SE बेस्ट रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं। और उसी के साथ में ये भी बात करेंगे कि अगर आपका बजट 30,000 और 40,000 के बीच में है तो आईफोन SE वहाँ पे टॉप लेवल पे रहेगा क्या, अगर इट कैन बी अ पिक ऑफ चॉइस फॉर दैट पर्टिकुलर बजट। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे आईफोन SE लॉट्स टू लव लेस टू स्पेंड, ऐसे करके ये कमिट कर रहे हैं यहाँ पे। आईफोन SE का आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ एप्पल के वेबसाइट पे आपको रेट दिख रहा है, लेकिन आप जैसे ही देखोगे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे ये 32,000-33,000 के आसपास अभी अवेलेबल है। फेस्टिव सीजन के कारण वो इतने कम रेट में अवेलेबल है अभी, बट अगर थोड़ा रेट फ्लक्चुएट भी होता है तो 35,000-36,000 के आसपास तो आपको मिल ही जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आईफोन SE के साथ में क्या क्या खूबियाँ आती है, क्या क्या चीज़ें आईफोन SE यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो आईफोन 6 का ही बॉडी है ये, ड्यूरेबल ग्लास एंड एल्यूमिनियम डिज़ाइन का, लेकिन इन्होंने पीछे भी ग्लास दिया है तो ये डबल ग्लास सैंडविच डिज़ाइन में आता है। ब्रिलियंट 4.7 इंच का रेटिनाइज्ड डिस्प्ले मिलेगा आपको इसमें। उसी के साथ में A13 बायोनिक चिप इन्होंने प्रोवाइड किया है, जो एक्चुअली आईफोन 11 के सीरीज़ में इस्तेमाल होता है। स्पेसिफिकली अगर बोलना चाहेंगे तो आईफोन 11 प्रो में भी वही चिप इस्तेमाल हुआ है। तो चिप के हिसाब से देखे जाए तो दिस इज़ अ पावरफुल फ़ोन, जहाँ पे आपको काफ़ी इंटेंसिव टास्क करने के लिए ये फ़ोन काम में आ सकता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिंगल कैमरा ही मिलेगा आपको इसमें पीछे, और एक क्वाड LED का फ्लैश मिलेगा, नथिंग फैंसी। ये दोनों चीज़ें छोड़ के और कुछ नहीं है जो आप देखना चाहोगे। पोर्ट्रेट मोड भी इन्होंने प्रोवाइड किया है, जहाँ पे जो एप्पल के टॉप एंड के फ़ोन्स आते हैं उसमें पोर्ट्रेट मोड्स का फीचर आपको देखने को मिलता है। उसी के साथ में पोर्ट्रेट मोड जहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर कर देता है, ये सारी फैसिलिटीज़ इन्होंने प्रोवाइड की है। उसी के साथ डेप्थ कंट्रोल भी आप कर सकते हो, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका पीछे का बैकग्राउंड ब्लरिंग जो है वो आप आपके हिसाब से अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, पोर्ट्रेट लाइटनिंग की बात करते हैं। पोर्ट्रेट लाइटनिंग में आपको स्टूडियो लाइट, नेचुरल लाइट, कॉन्टोर लाइट, स्टेज लाइट मोनो एंड स्टेज लाइट, ऐसे बहुत सारे फिल्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, और हाई की लाइट मोनो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एक ब्लैक एंड व्हाइट में ही आपका फ़ोटो निकाला जाएगा। उसी के साथ में स्मार्ट HDR का भी इन्होंने इंक्लूजन कर दिया है ये फ़ोन में, जहाँ पे नेचुरल लुकिंग लाइट और स्किन टोन जो है वो नेचुरल लुकिंग मिलेंगे आपको, ऐसे ये कमिट कर रहे हैं। एप्पल के पेज की बात करते हैं तो एप्पल यहाँ पे कभी भी आपको जो सिर्फ नंबर से वो नंबर्स नहीं दिखाएगा, उनके साथ एप्पल का तरीका हमेशा अलग रहता है। जैसे एंड्रॉयड में हम सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं, कितने मेगापिक्सल का कैमरा, कितना रैम, आईफोन इज़ नॉट लाइक दैट। आईफोन थोड़ा अलग तरीके से मार्केटिंग करता है, हर एक कंपनी का अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहता है। यहाँ पे वीडियो की बात करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे ये प्ले 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आपको इसमें देखने को मिल रहा है, जो एक अच्छा बेटर डायनेमिक रेंज प्रोवाइड करता है और ग्रेटर डिटेल एंड हाईलाइट एंड शेडोज भी प्रोवाइड करता है। उसी के साथ में कुछ अच्छे छोटे छोटे फीचर्स भी आते हैं, सटल फीचर्स, जैसे क्विक टेक है, जहाँ पे आप फोटो निकालते वक्त ही अगर आपको वीडियो निकालना है तो आपको सिर्फ शटर का जो बटन है उसको होल्ड करके रखना है, तो आपका वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होना रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर इन्होंने प्रोवाइड किया है। बेसिकली एप्पल ही फर्स्ट कंपनी थी इंडिया में, वर्ल्ड में, जिसने फिंगरप्रिंट सेंसर को इतना हाइप्ड और इतना डिमांडिंग बना दिया था। तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है सिक्योरिटी के लिए, Touch ID जिसको बोला जाता है। प्राइवेसी बिल्ट इन है, ऑब्वियसली आईफोन जो है वो अपने प्राइवेसी के रिगार्डिंग बहुत अच्छे से काम करता है, तो प्राइवेसी के रिगार्डिंग सारे चेक बॉक्सेस टिक किए हैं यहाँ पे। कुछ स्प्लैशेस और स्प्रिंकल्स वगैरह भी सर्वाइव कर सकता है आईफोन SE, जहाँ पे वो वाटर रेजिस्टेंस है 1 मीटर तक, 30 अप टू 30 मिनट्स।
ये क्लेम जो है वो आपके फ़ोन के ऊपर कुछ स्प्रिंकल्स वगैरह गिरेंगे तो उसके लिए प्लीज़ इसको पानी में मत लेके जाना। ऑल दो वाटर रेजिस्टेंट बोला है लेकिन मत लेके जाना, मैं रिकमेंड करूँगा मत लेके जाइए। ठीक है, अभी आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जहाँ पे मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ इसके बारे में। आईफोन SE जो है वो बेसिकली इन्होंने पूरा हार्डवेयर जो है एक्सटर्नल हार्डवेयर वो आईफोन 6 का ही रखा है, लेकिन इंटरनल सारे अपग्रेड कर दिए अप टू द लाइन, टॉप टू द लाइन आईफोन 11 के लाइनअप से मैच किए हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे इन्होंने दो तीन चीज़ों पे काम नहीं किया है और वो दो तीन चीज़ें एक यूज़र पे बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ अगर आप देखोगे किसी भी वेबसाइट पे जाके देखिए, आईफोन SE जो है वो 2.5 या 3 रेटिंग से ज़्यादा आपको इसको रेटिंग देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज आईफोन SE का बैटरी लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है ड्यू टू दिस पावर हाउस। जो पावर हाउस कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने प्रोवाइड किया है, लेकिन वहाँ पे 1600 या 1700 mAh का ही बैटरी प्रोवाइड किया गया जा रहा है अभी भी, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बैटरी है वो बैटरी प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर पाती है हार्डवेयर के कॉन्फ़िगरेशन को, और उसकी वजह से आपको जो स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल रहा है वो 3-4 hours का ही स्क्रीन ऑन टाइम आपको उसमें देखने को मिल रहा है। ज़्यादा करके ये फ़ोन बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, अगर हम छोटे छोटे चीज़ भी करते हैं तो उसमें भी ये फ़ोन जल्दी डाउन हो जाता है। उसकी वजह से आजकल के यूज़र के हिसाब से देखेंगे तो जो लोग ज़्यादा करके ज़्यादा बड़ी बैटरी प्रेफर करते, जहाँ पे 5-6 घंटे के ऊपर का स्क्रीन ऑन टाइम हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से, वो आपको इसमें नहीं देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिकली अगर बात करें बैटरी कैपेसिटी की, तो 1821 mAh का ही बैटरी मिलेगा आपको इसमें। 3 GB रैम के साथ में आता है ये, एप्पल A13 बायोनिक चिप के साथ में। तो ऐसे टाइम पे मैं कमिट करना चाहूँगा, मैं यहाँ पे डिसाइड करना चाहूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, डिसाइड नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि अगर आपको, मैं नीचे दिए गए 3 पॉइंट्स आपको प्रॉपरली सुनने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, गो फॉर आईफोन SE अगर आपका बजट जो है वो स्ट्रिक्टली 30,000 या 32,000 के आसपास ही है। यू कैन नॉट एक्सटेंड योर बजट फॉर नेक्स्ट 4-5 thousand rupees, और आपको आईफोन ही लेना है, देन गो फॉर दिस फोन। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इफ़ यू आर ओके विद द स्क्रीन साइज, 4.7 inch का जो स्क्रीन साइज है, अगर ये स्क्रीन साइज आपको अगले 2 साल के लिए, इफ दिस स्क्रीन साइज इज एक्सेप्टेबल टू यू, देन जस्ट गो फॉर इट। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका जो बैटरी यूसेज है, आपका जो डेली यूसेज है, देखिए तीन तरीके के लोग होते हैं जो तीन बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं कोई भी फ़ोन यूज़र जो रहता है वो, एक रहता है सबसे एवरेज, एक रहता है इंटरमीडिएट, और एक रहता है एक्सपर्ट या प्रो लेवल। ठीक है, एवरेज जो फ़ोन यूज़र रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जिनका फ़ोन हमेशा स्विच्ड ऑफ रहेगा, जिनके फ़ोन का स्क्रीन वेकअप बहुत कम रहता है, बिलो 50 रहता है दिन भर का, जो सिर्फ अपना व्हाट्सअप वगैरह चेक करते हैं, फ़ोन कॉल्स आए तो रिसीव करते हैं, थोड़ा बहुत फेसबुक व्हाट्सअप चेक करते, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे बैठते, लेकिन उनका टोटल दिन का पूरा स्क्रीन आर टाइम देखोगे, स्क्रीन अप टाइम, तो वो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रहेगा, तो ऐसे लोगों को मैं एवरेज कैटेगरी में डालूंगा। सेकंड कैटेगरी आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कैटेगरी मतलब 2 घंटे से 5 घंटे तक का जिनका एवरेज फ़ोन यूटिलाइजेशन है, जहाँ पे एक एवरेज यूज़र जो करता है उसके साथ में थोड़ा बहुत मीडिया कंजम्पशन, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ऐसा कुछ ना कुछ देखना, गेम्स खेलना मोबाइल पे, पबजी हो गया, कैरम हो गया, पूल हो गया, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम खेलना, उसी के साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे व्हाट्सएप पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, मोर देन 1 hour, तो ऐसे लोगों का जिनका स्क्रीन ऑन टाइम 2 hours से लेके 5 hours तक आता है, ये आते हैं इंटरमीडिएट वाले। और जो थर्ड कैटेगरी है, जो दिन भर पूरा फ़ोन पे ही बैठे रहते हैं, आपका छोटा भाई वगैरह कोई घर पे होगा, सो यू माइट बी अवेयर ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग, जिनका स्क्रीन ऑन टाइम आप देखोगे तो 24 घंटे में एटलीस्ट वो 8 घंटे फ़ोन पे बैठे रहते हैं, जहाँ पे वो एक तो मूवी देखते रहेंगे, जहाँ पे वो एक तो कोई वेब सीरीज देखते रहेंगे, कहीं पे कोई मीडिया कंज्यूम कर रहे होंगे, नहीं तो फिर पबजी या कोई दूसरा हाई इंटेंसिव ग्राफिक इंटेंसिव गेम खेल रहे होंगे, नहीं तो फिर कोई अर्केड का गेम खेल रहे होंगे, जहाँ पे बहुत सारा बिल्डिंग वगैरह बनाना पड़ता है, ऐसे टाइप का जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा ऐसे गेम खेल रहे, तो ये आता है प्रो लेवल का इस्तेमाल करने वाला, जिनका स्क्रीन ऑन टाइम हमेशा 5 घंटे से ऊपर रहेगा और मैक्सिमम 9-10 घंटे के आसपास रहेगा। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, 3 levels मैंने आपको बता दी। इसमें अगर आप इंटरमीडिएट या प्रो लेवल पे कहीं पे भी फॉल होते हैं का आपका चांस है, देन डोंट बाय दिस फोन,
बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू द बैटरी लाइफ दैट आईफोन SE इज ऑफरिंग टू यू गाइज. ठीक है, तो बिकॉज क्योंकि इसके साथ में जो पावर ब्रिक भी आता है वो पावर ब्रिक भी 5 वाट का आता है सिर्फ, तो कम से कम 2 घंटा लगेगा इसको पूरा फोन को पूरा चार्ज करने के लिए. ये यहाँ पे कमिट कर रहे हैं कि आपको 50% चार्ज करने के लिए सिर्फ 30 मिनट्स लगेंगे, लेकिन वहाँ पे आप देख पा रहे हो वो 18 वाट के चार्जर के साथ में बताया जा रहा है, जो 18 वाट का चार्जर आपको विद द बॉक्स नहीं मिलेगा. 18 वाट का चार्जर आपको सेपरेटली परचेस करना पड़ेगा. आपको चार्जर आता है इसके साथ, 5 वाट का ही चार्जर आता है. तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो क्लेम्स थोड़ा गिमिकी भी है, थोड़े नंबर्स और थोड़े नॉन प्रैक्टिकल भी है, तो उसके हिसाब से मैं नहीं रिकमेंड करूँगा आपको. ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई. तो अगर आपका स्क्रीन ऑन टाइम 2 घंटे से नीचे है, आप एकदम एवरेज यूज़र हो फ़ोन के, तब आप ये फ़ोन ले सकते हो. आपका बजट 30 या 32,000 के आसपास ही बजट है मैक्सिमम, और आपको एप्पल ही ब्रांड चाहिए, देन गो फॉर दिस फ़ोन. ठीक है, थर्ड वन. चौथे पॉइंट की मैंने बात किया स्क्रीन ऑन स्क्रीन साइज का. 4.7 इंच का अगर स्क्रीन आपको पसंद आ रहा है देन यू कैन बाय दिस फ़ोन. ठीक है, अभी मैं ये फ़ोन को मत खरीदो ऐसे इतना स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा. इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर द आईफोन, आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर iPhone XR एटलीस्ट. इसके कंपैरिजन में 36,000 के आसपास वो फ़ोन आ रहा है, 36,000 to 38,000 रुपीज़. मतलब आप कहीं पे भी देखोगे कोई भी टाइम ड्यूरेशन पे, इन दोनों फ़ोन के बीच में आपको 6,000 to 7,000 का डिफरेंस मिलेगा. तो इसकी जगह पे मैं iPhone SE क्यों आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, उसके बहुत बड़े बड़े 4 रीजंस मैं अभी आपको बता देता हूँ. फर्स्ट वन, बैटरी लाइफ. iPhone SE हैव द बिगेस्ट बैटरी अमंग ऑल द iPhones अवेलेबल इनटू एप्पल लाइन अप टिल iPhone 11. ठीक है, वहाँ पे सबसे बड़ा स्क्रीन ऑन टाइम अगर आपको किसी फ़ोन में देखने को मिल रहा है तो दैट इज़ द iPhone SE. तो पहली बात वहाँ पे ख़त्म हो गई. सेकंड चीज़ की बात करते हैं स्क्रीन. आपको ऑलमोस्ट 6 इंच के ऊपर का स्क्रीन मिल जाता है उसमें. जो आप मीडिया कंज्यूम कर रहे हो, आप इंटरमीडिएट यूज़र भी रहोगे, तो आपका अगर मीडिया कंजम्पशन ज़्यादा है तो ऐसे टाइम पे आपको वो फ़ोन बहुत अच्छे से यूज़ में आ सकता है. थर्ड चीज़ की बात करते हैं हार्डवेयर का. वहाँ पे आपको सारे स्वाइपिंग गेस्चर्स वगैरह सब मिल जाएगा. वो फ़ोन थोड़ा ज़्यादा कैपेबल लगता है इसके सामने अगर देखा जाए तो. और बात करते हैं अगर ये दोनों फ़ोन आप 3 साल के लिए भी आगे इस्तेमाल करोगे तो अगले 3 साल तक iPhone XR को भी सारे अपडेट्स मिलने वाले, तो आप कहीं पे भी पीछे नहीं रहने वाले हो कि जहाँ पे आपको कुछ अपडेट आप मिस करोगे अगर आप iPhone XR खरीद रहे हो तो. मुझे पता है iPhone XR की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक जनरेशन पीछे की बात कर रहा हूँ. लेकिन जनरेशन से ज़्यादा हमें प्रैक्टिकलिटी के ऊपर देखना पड़ेगा कि कौन सा फ़ोन प्रैक्टिकलिटी में अच्छा रहता है. ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ. तो iPhone XR विल बी द पिक, एक बेटर चॉइस रहेगा अगर आप iPhone ही खरीदना चाहते हो. उसके बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं iPhone XR की, तो 2942 mAh का बैटरी उसमें देखने को मिलेगा. ऑलमोस्ट 3000 mAh का बैटरी आपको देखने को मिलेगा उसमें. और उसमें A12 Bionic आता है, तो A12 Bionic और A13 Bionic में आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस का भी इशू नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ. हाँ, ये तो हो गए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स iPhone SE को लेके. अभी बात करते हैं iPhone SE किन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा. पहला पॉइंट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, अगर आप बहुत ही बेसिक यूज़र हो, बेसिक या एवरेज यूज़र हो, देन गो फॉर दिस फ़ोन. जहाँ पे आपका फ़ोन ज़्यादा करके आपके पॉकेट में रहता है, आपके पर्स में पड़ा रहता है, या आपके डेस्क पे सिटिंग करके रहता है, तो ऐसे टाइम पे यू कैन ईजिली बाय दिस फ़ोन. ठीक है, सेकंड पॉइंट, आपके घर में कोई भी लेडीज़ है, जैसे आपकी वाइफ है, आपकी मॉम है, या आपकी बहन है, जो लोगों का ज़्यादा फ़ोन जो लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन एक छोटा ट्रेंडी फ़ोन उन लोगों को पसंद आता है, सो लेडीज़ पार्टी के लिए दिस विल बी द बेस्ट फ़ोन टू बाय. बिकॉज iPhone का आपको फील भी मिल जाएगा, iPhone यूज़ करने के लिए भी मिल जाएगा, और दूसरी बात वहाँ पे ये आपको एक बेस्ट बजटिंग फ़ोन रहेगा. जिनका यूज़ कम रहता है, गेम ज़्यादा खेला नहीं जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए दिस विल बी द गुड फ़ोन. ठीक है, सेकंड बात करते हैं एक फीमेल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं. फीमेल्स का हाथ थोड़ा छोटा रहता है, तो वो इजीली इसको कैरी कर पाएंगे, उनको ऐसे ज़्यादा बड़ा फ़ोन भी नहीं लगेगा. पॉकेट्स में वगैरह ईजिली बैठ सकता है, पर्स में भी ईजिली स्वैपेबल रहता है, कहीं पर भी आप इसको ईजिली रख सकते हो. सो दिस इज़ अ थम्स अप फ़ोन फॉर ऑल गर्ल्स और ऑल फीमेल्स, मैं ऐसे बोलना चाहूँगा. तो सो आई गेस मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए. मैं कभी ये स्क्रिप्ट लिख के नहीं रखता हूँ, मैं हमेशा ऐसे आई विल जस्ट गो विद द फ्लो. तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये ओवरऑल डिस्कशन कैसे लगा. टेक अवे पॉइंट यही है, इफ़ यू वॉन्ट टू स्पेंड 30-35,000 रुपीज़, तो आपको ये फ़ोन ना लेते हुए दूसरा कुछ तो देखना चाहिए, ऐसा ही मेरा मेन कंसर्न है.
अगर लोगों के लिए, अभी जेंट्स की बात करते हैं हम लोग, तो जेंट्स लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर आपका बजट 30,000 या 35,000 के आसपास है और आप फिर भी आईफोन XR भी नहीं लेना चाहते, तो इसकी जगह पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि कोई भी वन प्लस का कोई भी फ़ोन आप उठा लोगे 30,000 रुपीज़ के ब्रैकेट रेंज में, तो वो भी फ़ोन आपको एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेगा और वहाँ पे आपको बहुत सारे कैपेबल फीचर्स देखने को मिलेंगे। वन प्लस भी एप्पल की तरह ही काम करता है। मैं बाकी कंपनीज़ नहीं रिकमेंड करना चाहूँगा 30,000 के प्राइस ब्रैकेट में, बिकॉज वहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज़ का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, दे आर नॉट वेरी गुड एंड अप टू द मार्क विद देयर स्टैंडर्ड्स। और सैमसंग वगैरह की भी बात मैं नहीं करूँगा, बिकॉज वन प्लस के वहाँ रहते हुए वन प्लस की वजह से सैमसंग भी वहाँ पे अच्छे सेल फिगर नहीं दिखा पाता किसी फ़ोन को लेके, तो सैमसंग भी हमेशा बम्बर्ड करते रहेगा नए नए फ़ोन्स वो मार्केट में वो रेंज वो प्राइस रेंज में। तो वहाँ पे एक यूज़र का जो ओवरऑल यूज़र सपोर्ट रहता है कंपनी की तरफ से वो इम्पैक्ट हो जाता है, तो वो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो जेंट्स लोगों के लिए मैं एक ही सेंटेंस बताना चाहूँगा, अगर आपको ये फ़ोन खरीदना है तो इसके कंपैरिजन में प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लीजिए कि आप वन प्लस वगैरह यूज़ करके आपका काम हो सकता है क्या। मुझे लगता है कि एप्पल का इकोसिस्टम इंडिया में इतना अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हुआ है, तो आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसके रिलेटेड। सॉफ्टवेयर सपोर्ट की जैसे मैंने बात की कि आईफोन XR में भी आपको 3-4 साल तक का आगे का सपोर्ट मिलने वाला ही है, और इवन आईफोन 13 इसमें भी आप आईफोन SE में भी आपको 4-5 साल का सपोर्ट आपको आराम से मिलने वाला है। तो वहाँ पे भी आईफोन XR अगर आप इसके आगे लेके जाते हो तो आपको वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये शानदार 3 कलर्स में आता है, ब्लैक, वाइट एंड पाव बोला है यहाँ पे इन्होंने, दिस इज़ अ क्लासिक प्रोडक्ट रेड। ठीक है, बहुत सारी कुछ छोटे छोटे सटल चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई गई है, ड्यूअल सिम वगैरह जो आपको आईफोन XR में भी मिलेगा, स्टेरियो ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब वहाँ पे भी मिल जाता है, तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क वहाँ पे भी गिरने वाला नहीं है। तो मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि आप प्लीज़ आईफोन SE की जगह पे आईफोन XR बाय कीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरे चैनल का सबसे बड़ा अगर कुछ मोटो है तो वो वही है कि मैं यूज़र को रिकमेंड कर पाऊँ कि आपके पैसे के रिगार्डिंग वर्थ इट चीज़ आप बाय कर पा रहे हो क्या। तो अगर आपके किसी दोस्त के पास, किसी फ्रेंड सर्कल में किसी के पास भी आईफोन SE है, तो एटलीस्ट आस्क हिम कि उनका क्या खुद का मानना है। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन वाला वीडियो हो चुका है, लेकिन जब बात पैसे की आती है तो थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन करना कभी भी अच्छा रहता है, बिकॉज एवरी पेनी वी स्पेंट लेस इज इक्वल टू एवरी पेनी वी अर्न, सो मनी स्पेंट लेस इज मनी अर्न वेल, ऐसे करके मैं बोलना चाहूँगा। और उसी के साथ में मैं वाइंड अप करना चाहूँगा ये मीटिंग। उससे पहले अगर आपने मेरे टेक विश्व यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। द यूनिवर्स ऑफ इन्फिनिट टेक्नोलॉजी में ऐसे नए नए वीडियोस मैं आपके लिए हर दिन बना के लाता हूँ। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर और हर एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा ऐसे ही नए नए वीडियोस हर दिन बनाने के लिए। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको एक फ्रेश एपिसोड के साथ टुमारो। तब तक यू गाइस टेक केयर, बाय बाय।